हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल? आपका भाई भी बहुत बढ़िया है। आप लोग कैसे हैं कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अब आप लोग के इंतजार का घड़ी हुआ समाप्त। मुकेश बाबा ने खुद लाइव आकर, मुकेश बाबा ने खुद एक वीडियो जारी करके बताया अपने आश्रम के बारे में और अपने बारे में कि आखिरकार क्यों आश्रम नहीं खुल रहा है और खुलेगा भी तो कब खुलेगा। आप लोग के लिए एक नया वीडियो मुकेश बाबा ने जारी किया है अपने चैनल पर, जो माँ शीतला धाम से चैनल है उस चैनल पर, वही उनका चैनल है जो कि उनका भाई साहब मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, उसी चैनल पे एक मतलब वीडियो जारी करके मुकेश बाबा खुद बताए हैं इनका आश्रम कब खुलेगा, कहाँ खुलेगा, कितना टाइम लगेगा बनने में, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पे, सारा कुछ। तो आइए उस वीडियो को सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूरा, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो चलिए देखते हैं बाबू। आप लोग जो भी हैं घबराया ना, कार्यक्रम आश्रम का चल रहा है और कुछ दिन और लगेगा, काम 24 घंटा चालू है। और जैसे अपना आश्रम बन जाता है उससे आप लोग को YouTube या मोबाइल के द्वारा हम लोग बताएंगे, आप लोग घबराए ना। और दूसरा बात यह है कि थोड़ा परेशानी होता है, परेशानी इसके लिए होता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य का हमेशा विजय होता है, थोड़ा परेशानी होता है। तो उसके लिए हम घबरा नहीं रहे और आप लोग भी मत घबराइए, बहुत जल्द ही अपना आश्रम चालू हो जाएगा। लोकेशन अभी इसके लिए नहीं बता रहे हैं कि पब्लिक का भीड़ लग जाएगा, लेकिन बाबू अपना कार्य चल रहा है और कुछ ही दिन में अपना आश्रम बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दिया जाए क्योंकि बहुत आदमी हमारा शिष्य लोग लगे हुए हैं, कार्यक्रम चल रहा है और छठ बाद हमारा जैसे हो जाता है आश्रम वैसे आप लोगों को बता दिया जाएगा बेटा। और आप लोग चिंता ना करें, हम भी जैसे आप लोग परेशान हैं वैसे हम भी परेशान हैं बेटा। और कुछ ही दिन में हमारा आश्रम बन जाएगा, स्वस्थ रूप से बन जाएगा, लाइटिंग बाथरूम रहने के लिए सुविधाएं सभी सुविधाएं बन जाएगा, तो ही जाके आश्रम हमारा चालू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हम ना सोच रहे हैं कि जो दो बार गलतियां हुआ फिर वापस गलती हो, फिर जो डुमिया बांध पे गलती हुआ, डुंगरी पे गलती हुआ, लोहरा पे, वैसा हम ना सोच रहे हैं कि फिर हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत हो। क्योंकि अभी हम पूरा सुविधाएँ और प्रशासन से हम परमिशन लेके सब हम कार्य अपना चेक करा ले कर लेंगे, पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अपना चालू हो जाएगा आश्रम। तब तक के लिए बेटा आप लोग शांति बनाए रहें और बहुत जल्द से जल्द आश्रम हमारा चालू होगा। और परेशानी तो है ही है, आप लोग को भी परेशानी है, हमको भी परेशानी है, लेकिन कभी आप लोग हिम्मत ना हारें इसके लिए कि जब महाराज राम को जब तकलीफ हुआ तो हम लोग तो खैर इंसानी हैं, महाराज राम को वो तो स्वयं नारायण आके धरती पे विराजमान थे फिर भी उनको तकलीफ हुआ, 14 साल वनवास काटे, क्योंकि वो सत्य पे थे और 14 साल वनवास काटे, उनका क्या गलती थी? महाराज राम का भी कोई गलती नहीं था, फिर भी मैया सीता को, लक्ष्मण जी को एक मतलब संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसा ही हम भी संघर्ष कर रहे हैं और सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य का हमेशा विजय होता है। और तब तक के लिए बेटा आप लोग शांति बनाइए और जैसे हमारा आश्रम चालू होगा वैसे हम आप लोगों को YouTube द्वारा बता देंगे बेटा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने खुद सुना मुकेश बाबा अपने जुबानी क्या बोले, दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का एक ही मकसद है कि आप लोग YouTube पे तमाम तरह के फेक वीडियो देख रहे होंगे, कोई कह रहा है कि आश्रम यहाँ पे खुल रहा है, वहाँ पे खुल रहा है, अभी बन रहा है, यहाँ पे बन गया, तो तमाम तरह के फेक वीडियो लोग YouTube पे बना रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को मैंने आप लोगों तक शेयर किया। मुकेश बाबा के जो ऑफिशियल चैनल पे YouTube पे मतलब वीडियो दोस्तों जाता है वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए दोस्तों मैं इसको पहुंचाने का काम किया कि आप लोगों तक पहुंचे और जो सही जानकारी है वो मिले। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा फेक वीडियो के चक्कर में आप लोग अपना टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद कर लेंगे, आप लोगों को गलत जानकारी मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर किया। आप लोगों ने खुद अपने मुँह से सुना, अपने आँख से देखा, अब आप लोग को तो विश्वास हो ही गया होगा कि आखिरकार आश्रम क्यों नहीं खुल रहा है। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है दोस्तों, मुकेश बाबा का कहना भी है कि मतलब थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, बट आश्रम को जल्द चालू किया जाएगा, जो पेपर वर्क का काम है वो भी चालू हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, लाइसेंस वगैरह का जो काम है सब ओके हो जाएगा, तो वहाँ पे सारा व्यवस्था बन कर रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक बार चेक करा कर पुलिस वगैरह से सारा कुछ एकदम मतलब ओके करके चालू किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार चालू करके देख लिया गया है कि परिणाम वही निकलता है दोस्तों, फिर बंद कर जाना मतलब बंद कर देना पड़ता है, तो अब ऐसा मतलब ना हो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा लेट हो रहा है, देरी से ही प्रदूषित होगा, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बेहतर बन रहा है दोस्तों, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों कुछ अच्छा से वीडियो लाने का मैं सोच रहा हूँ बट अभी नहीं ला पा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा,
थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम भी इस चैनल पे आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियो लाएंगे दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे लोग तो बोर भी हो जाते होंगे कि आप केवल मुकेश बाग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस चैनल पे जैसा ऑडियंस रहता है वैसा वीडियो बनाना चाहिए। कि हमारे चैनल पर दोस्तों 90% मुकेश बाग के ऑडियंस है, इसलिए मुकेश बाग से रिलेटेड वीडियो बनाना पड़ता है। अगर दोस्तों कॉमेडी का चैनल है तो उस पर एजुकेशन का वीडियो बनाएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों जो डिमांड होता है लोगों का, उसी लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आप लोगों तक वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहेगा और आप लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेगी, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, आने वाले टाइम पर कुछ अच्छा सा वीडियो आप लोग के लिए जरूर आएगा दोस्तों। मैं तैयारी में हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा सा लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। टाटा बाय बाय।